जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि आपका डेली आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, तो उसमें आज हमारा रहेगा 22 नवंबर की जो लास्ट की शिफ्ट है, अर्थात थर्ड शिफ्ट 22 नवंबर की थर्ड शिफ्ट SSC GD कांस्टेबल 2021 का जो पेपर हुआ था, इसमें 22 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के हम हिंदी के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये देखेंगे कि किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और इसी लेवल का आपका एग्जाम वापिस बनने वाला है। 2023 में जो एग्जाम आपको होने वाला है, नई वैकेंसी जो आने वाली है, उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर SSC में जो SSC GD का कांस्टेबल एग्जाम होता है, SSC यहाँ पर आपको बता दूं कि लगभग 90% जो क्वेश्चन रहते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही उठाती है। तो आप प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्यूशन देखते चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दूं कि जल्द ही आपका जो है वो हिंदी और रीजनिंग का बैच स्टार्ट होने वाला है। लगभग 2 दिन बाद आपका हिंदी और इंग्लिश का जो हिंदी और आपका रीजनिंग का जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी और रीजनिंग का बैच आपका 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 30 तारीख से आपका हिंदी और रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको बताना है दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। क्या चुनना है? दिए गए शब्द का विलोम बताना है। तो ऊपर लिखित का विलोम क्या होगा? तो ऊपर लिखित का विलोम होगा निम्नलिखित। नीचे की ओर लिखने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करेंगे तो ऊपर लिखित का विलोम क्या हो जाएगा? निम्नलिखित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पर, झूठ बोलना पाप है में क्या त्रुटि है? तो देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? तो आपको जब इस तरह का सिंपल एक सेंटेंस लिखा आएगा, एक वाक्य पूरा लिखा आएगा, तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा अक्षर गलत है। तो इन जो लिखा हुआ झूठ बोलना पाप है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा अक्षर गलत है? तो ये आपको दुख रहा होगा, झूठ बोलना पाप है, तो इन चारों अक्षर में देखिए कौन सा गलत है? तो झूठ गलत है, क्योंकि झूठ को किस तरह से लिखा जाता है? झूठ आपका इस तरह से लिखाता है ना, झूठ आपका इस तरह से ठटरे का आता, टमाटर का नहीं आता, किसका आता? ठटरे का आता इसकी जगह। तो क्या हो गया? झूठ यहाँ पर गलत हो गया, इसकी जगह क्या लिखा आएगा? झूठ लिखा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसमें कहा है जिसके समान दूसरा ना हो, तो जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय, अर्थात जिसके समान दूसरा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहेंगे। आश्चर्यजनक चीज को क्या कह सकते हैं? अद्भुत कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने पूछा गया है, इसमें आपको बताना है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब जो आपको ये अंडरलाइन दी रहती है, नीचे एक लाइन खींची रहती है, इसमें आपको बताना है कि इसके स्थान पर कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं, यदि ये सही लिखा है तो इसके स्थान पर हम दूसरी चीज नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है ये ऑप्शन, आप चूज कर सकते हो, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें से आपको ये ऑप्शन लगा सकते हो जब वाक्य पूरा सही है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है सीता की मुख चंद्र, तो सीता की मुख चंद्र होगा कि सीता का मुख चंद्र के समान है? सीता का मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे, कि सीता की, तो देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे जब भी आपके समझ में आ जाएगा, सीता की मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? सीता का मुख देखकर राम भी खिल उठे। की गलत है, क्योंकि आप इसे सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे तो की इसमें गलत हो रहा है, सेंटेंस थोड़ा सा आपका जो है वो बिगड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आपके सामने लिखा है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो इसमें बताना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है क्या, पहला ये देखिए पत्र एक ये दिया हुआ भाग आपको पत्र किसके, फिर लिखा हुआ है नाम पर एक भाग ये दिया हुआ है, फिर लिखा अलग दिया है और गया है ये अलग भाग दिया, 4 भाग हमें दिए, 4 भाग हमने लिख लिए हैं। अब इसमें देखना है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो यहाँ क्या होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये पर नहीं आएगा, क्या आएगा? पत्र किसके नाम लिखा गया है, नाम पर थोड़ी लिखते हो आप, क्या बोलोगे? पत्र किसके नाम लिखा गया है, राइट क्या होगा यहाँ पर?
पर नहीं आना था, ऑनली क्या आना था, पत्र किसके नाम लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है। तो सरोवर का पर्यायवाची तालाब होता है। अधिकतर आपको बता दूं जो पर्यायवाची शब्द है, एक शब्द है विलोम शब्द, मुहावरे, ये 2018 में जो एग्जाम में पूछे गए थे वही बार बार रिपीट हुए हैं। तो और 2021 में जो पूछे गए वो अब कब जाएंगे, 2018 और 21 का जब हम रिविजन आपको स्टार्ट कराएंगे, क्लास आपकी 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें आपके लिए जो नो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसकी वीडियो मैंने डाल दिया हूँ। कौन से नो टॉपिक यहाँ पर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं कि हिंदी में कौन से नो टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर जीडी में नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा कठिन हिंदी नहीं पूछी जाती है, नॉर्मल हिंदी पूछी जाती है। इनमें से आपका पहला टॉपिक जो है एक शब्द का उत्तर, एक शब्द में उत्तर जो पूछे जाते हैं, इनकी हमने पूरी पीडीएफ बना ली है। टोटल 2021 में, टोटल 2021 में 63 शिफ्ट हुई थी। कितनी शिफ्ट हुई थी, 63 शिफ्ट हुई थी, उसमें 187 क्वेश्चन एक शब्द के पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 187 क्वेश्चन एक शब्द के पूछे गए थे 63 शिफ्ट में। तो ये इसकी पूरी पीडीएफ हमने कलेक्ट कर ली है। तो इसकी जो क्लासेस है वो आपकी डेली आपको 30 जो है प्रीवियस ईयर, और इसके बाद 2018 की जो 54 शिफ्ट है इसके भी हम कलेक्ट कर लेंगे। तो टोटल आपको एक शब्द में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जान देंगे। एक शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हम आपको 25 में से पूरे 25 नंबर ला के दिखाएंगे, वो भी हिंदी में। बस आपको हमारा साथ बने रहना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 25 में से 25 लाने की गारंटी लेते हैं हम, ठीक है। हिंदी में अगर 25 में से 25 लिया है तो आप मेरिट में जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 25 बहुत बड़ा अंक होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। आपके हिंदी में 25 में 25 और रीजनिंग में 25 में से 25, टोटल कितने हैं, 50 नंबर की हम करवा देंगे। और मैथ जो है, मैथ में भी यहाँ पर 20 नंबर की आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा होता है जो आपसे नहीं बनेगा। बाकी जो रीजनिंग और हिंदी, इसमें आपके 25 में से 25 ये सीधे जो होती है सरल चीज होती है, इसलिए हम इनकी गारंटी आपसे ले सकते हैं। मैथ ऐसा होता है अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर 25 में से 25 बनाओगे। और जीके ऐसा होता है हर कहीं से पूछ लेता है, तो आजकल जो जीके का लेवल है वो कहीं पे भी कुछ भी जाता है, तो इसलिए हम उसका वो नहीं ले सकते। परंतु जीके में भी आपके 20 लाने की संभावना रहेगी। तो समथिंग हम कितने नंबर की, इसमें अगर 10 माइनस करते हैं तो इसमें भी कम से कम 40 आएंगे। टोटल 80 प्लस नंबर की हम आपकी तैयारी करवा देंगे, और 80 प्लस नंबर आप CISF भी मिल जाएगा, SSF भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके जो नॉर्मलाइजेशन में 6 नंबर सभी के बढ़ते हैं, कम से कम SSC 6 नंबर सभी के बढ़ाती है। तो 86 प्लस पे आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी आपको SSF भी मिल सकता है और CISF भी मिल सकता है। क्योंकि अगर इस बार बात करें 2021 की जो भर्ती है उसमें कितना कट ऑफ जाएगा, तो 2021 की भर्ती में आपको बता दूं लास्ट सबसे हाईएस्ट जो स्टेट का कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा, 72 से 73 के बीच जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी बार माइनस मार्किंग के कारण कम कट ऑफ गया है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कट ऑफ नहीं जाएगा। आपको इतने नंबर लाना है तो आपको हमारे चैनल पे बने रहना और लास्ट तक बने रहना है, आपको इतने नंबर लाने की गारंटी हम लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा था। तो सरोवर का पर्यायवाची पूछा था, तो सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है, तालाब होता है। क्या होता है, तालाब होता है। और कमल का पूछ ले, तो कमल का होता है जैसे कमल, यहाँ देखिए तो कमल का सभी को मैंने बताया हूँ, सिर्फ नाम याद रखना है। नीरज हो जाएगा, नीरज सरोज अरविंद, ये सब क्या है, ये इनके पर्यायवाची हो गए। पदम, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। और अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो सागर हो जाता है, ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची होता है जैसे कि यहाँ लिख दू, सागर हो जाता है, ठीक है। सागर, जलधाम, जल को धामने वाला, मतलब क्या हो गया, सागर, जलधाम, और उसके बाद चल के जलधि, ये सब क्या होगा, इसके पर्यायवाची हो गए समुद्र के। और बादल की बात करें तो बादल में क्या होता है, पानी रखा रहता है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, पानी रखा रहता है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बारीधर। देखिए बारिश यहाँ पर धरी रहती है इसलिए बारीधर, ठीक है। बारीधर, मेघ, ये सब क्या हो गया, जलधर, जलधर भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, जलधर, ये सब
मतलब पानी वहां रखा रहता बादल में, तो जलधर, बारीधर, मेघ, ये सब क्या हो जाते हैं, बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, बारीधर यहाँ पर पूछा गया है इसलिए मैं लिखवाया हूँ, और जलधर भी पूछा गया है, ये दोनों भी आपको एग्जाम में आगे मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जिस पर आक्रमण हो एक वाक्यांश के लिए क्या होगा, आक्रांत होता है एक शब्द, क्या होता है, आक्रांत होता है। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, जिस पर आक्रमण हो ये पूछा गया है, ठीक है, तो उसे आक्रांत कहते हैं, क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर, तो आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो यहाँ पर मंतव्य बताना है, तो मंतव्य सही प्रकार से इसी प्रकार लिखा जाता है, ये तो आप सभी को लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि सही एक वर्तनी इसमें कोई ट्रिक कोई फार्मूला नहीं होता है, बस आपको इसमें मेहनत करना होगा। और यहाँ पर मैं बता दूं इसमें लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक शब्द के जितने भी आपके सही वर्तनी वाले हैं ये भी आपके सामने पूरे क्वेश्चन 2021 और 18 के लेके आएंगे, जो प्रीवियस ईयर है एसएससी जीडी वही एग्जाम में वापस पूछे गए एसएससी, मुझे पक्का पता है, तो आप इनको सबको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और देखिए उसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है प्रतिस्थापित करना है, यहाँ देखिए इसके नीचे से चिन्ह बना हुआ है, तो ये बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा। आप ठीक कहते हो कि आप ठीक कहते हैं, क्या बोलोगे आप कभी भी यूज क्या करते हो, आप ठीक कहते हैं, ठीक है, आप ठीक कहते हो थोड़ी, आप ठीक कहते हैं। और है में भी देखिए दो प्रकार के है दिख रहे होंगे, परंतु अगर आपने देखा होगा कोई से भी, जैसे मैं लिखा है तो उसमें भी साइड में एक बिंदु आती है इस तरह से, मैं है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर एक बिंदु होना था, तो ये वाला क्या होगा, राइट होगा। दो प्रकार से है लिखा है, परंतु जो बिंदु लगी हुई है यही वाला क्या होता है, राइट होता है। मैं है ये सब में क्या होता है, एक बिंदु यहाँ पर लगी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर में भी लगी है, ठीक है, ये में देखिए बिंदु लगी है, इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो सभी प्रकार से लगी होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर पूछ ले विफल का विलोम शब्द बताइए, तो विफल का विलोम शब्द क्या होगा, सफल होना। विफल का मतलब क्या होता है, तो असफल होता है विफल का मतलब, निष्फल होता है, ये सब क्या होते हैं, ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी है, मतलब पर्यायवाची है विफल, असफल और निष्फल क्या हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। और सफल क्या हो गया, इसका विलोम शब्द हो गया, विलोम हमसे पूछा है, तो विलोम क्या हो जाएगा आपका, सफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति की जाए, तो यहाँ आपको बताना है सिर्फ खालिस्तान भरना है, जो खालिस्तान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, तो जो घमंड करता है, जो क्या करता है, घमंड करता है, जो घमंड करता है उसका क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, ये तो आपको सीखना होगा। आपका वहाँ पे डायरेक्ट जो माइंड है, आपका ब्रेन जो काम करेगा वही वहाँ पे एग्जाम में काम करेगा, तो आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर देख के जाना है, बाकी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना ट्रिक ना फार्मूला कुछ नहीं लगेगा। पर जो काम की चीज़ है मैं आपको सब चीज कराऊंगा, ए टू जेड, 25 में से 25 लाने का हमने वादा किया है, तो आपके 25 में से 25 आएंगे जरूर, ये देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है घोड़ा बीच में ही अड़ गया, घोड़ा क्या होता है, बीच में अड़ेगा, ठीक है, अगर घोड़ा सामने खड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि घोड़ा बीच में अड़ गया, डट गया थोड़ी कहते हैं, ना चल गया ना टोक गया, क्या कहेंगे, घोड़ा बीच में ही अड़ गया था, ठीक है, अड़ गया था, ये सही होगा इसके लिए कि घोड़ा बीच में क्या हो गया था, अड़ गया था। नेक्स्ट देखिए समानार्थी शब्द बताना है, तो पर्वत का समानार्थी शब्द बताना है, पर्वत का क्या होता है, नग होता है, ठीक है, पर्वत का क्या होता है, पठार, नग, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या कहते हैं, तो जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे हम क्या कहेंगे, थलचर कहेंगे। थल, थल का मतलब क्या होता है, जो थल, जैसे आप कहते हो ना थल सेना, मतलब आर्मी को कहते हैं जो जमीन पे रहती है, तो यहाँ कहाँ रहती है, थल पे रहती है, जमीन पे रहना, थल का मतलब जमीन पे रहने वाले प्राणी को थलचर कहते हैं। और जो जलचर होता है वह कहाँ रहते होंगे, जल में रहते होंगे। और जो नभचर होता है, नभ का मतलब क्या होता है, आकाश आसमान, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं ना, तो कहाँ रहते होंगे, आकाश आसमान, जैसे पक्षी होते हैं कोयल कौवा, ये सब क्या होते हैं, ये नवचर पक्षी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया सही वर्तनी शब्द का चयन करें, तो निर्निमेष का सही वर्तनी क्या होता है, तो निर्निमेष का सही वर्तनी ये लिखा हुआ है निर्निमेष होता है। मेष तो देखिए यहाँ पर मेष देखना था, अब यहाँ पर मेष लिखा तो ये तो गलत हो जाएगा, मेष इन तीनों में ही सही था,
और इसके बाद देखिए निर्णी छोट नी, जब नी का कम मतलब थोड़े कम समय के लिए नी का कम समय के लिए उपयोग हो तो वहाँ छोटी मात्रा लगती है, और ज्यादा समय के लिए हो तो बड़ी मात्रा लगती है। कोई सी भी आपकी ई की मात्रा का यूज करना है तो कम समय के लिए यूज करी गई मात्रा में छोटी ई की मात्रा लगती है, ज्यादा समय अगर साउंड यूज हो रहा है तो वहां बड़ी ई की मात्रा नीर। तो यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक है, निर्णी में, तो सही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो देखिए इसमें इसका मतलब क्या होगा, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, क्या होता है इसे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, अर्थात घर की जो भी घर का आदमी हो घर का आदमी की वैल्यू ना करना, मतलब क्या होता है घर के आदमी की वैल्यू ना करना या उसे कम वैल्यू देना, ठीक है, उसे कम वैल्यू देना या कम सम्मान या आदर देना, क्या होता है। तो देखिए घर का जो भी व्यक्ति हो उसे क्या करना, कम सम्मान या उसे तुच्छ समझना, ठीक है। तो यही बोल रहा है घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो देखिए यहाँ पर आपको अलग ही क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की, तो देखिए अर्पित की गलत हो गया ना, क्या होगा, अर्पित की गलत हो गया ना, यहाँ पर क्या रहा था कि विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किए, अभिनंदन पत्र किया, ठीक है, अभिनंदन पत्र अर्पित किया ये होना था, परंतु वहां क्या लिख दिया, की लिख दिया, तो गलत हो गया ना। आप सेंटेंस को जब पढ़ेंगे पूरा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में कहाँ गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। तो देखिए अवकाश नहीं मिले या अवकाश नहीं मिला, ठीक है, अवकाश नहीं मिला सही होना चाहिए था। तो देखिए व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, आपको बस त्रुटि वाले या प्रतिस्थापित वाले क्वेश्चन लोग उसको पढ़ के देखना है, बाकी तीन ऑप्शन आपको दिए रहेंगे उन्हें जमा के देखना, ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, जैसे लंगोटी में फाग खेलना, अर्थात क्या होता है, लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है दरिद्रता में आनंद लूटना, मतलब कोई भी व्यक्ति जो जैसे कि लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है कि वो पहले से ही क्या है, गरीब है, और उसमें भी आप उसकी जो है जो यहाँ पर उसका जो आनंद है उसको भी वो लूट ले रहे, पहले से अगर व्यक्ति गरीब है तो वैसे ही तो गरीब है और कष्ट में है, और आप उसका और आनंद लाभ ले रहे हो, उसकी मजा ले रहे हो, तो क्या होगा उसकी क्या हो रही है, दरिद्रता में आनंद लूटने वाली बात होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, पत्र का उत्तर शीघ्र देने की खालिस्तान करें तो कृपा करें। तो यहाँ पर आप सभी लोग कहते होंगे पत्र का उत्तर देने के लिए शीघ्र ही कृपा करें, तो ये क्या हो गया, कृपा करें, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपके होते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके जो व्याकरण से पूछ लिए गए, अब गद्यांश वाले क्वेश्चन देखते हैं जो 5 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन अगर से 5 क्वेश्चन, जैसे बोला गया है संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह स्वभाव है, क्या है, देखिए संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह क्या है, स्वभाव है, क्या है, स्वभाव है, ठीक है। और आगे पूछा गया है, स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से खालिस्तान नहीं बिठा सकती है, तो सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, यूरोप की कलाओं से वहां क्या होती है, एक दूसरे के समान नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय खालिस्तान से हुआ है, तो कला से हुआ है, ठीक है, भारतीय कला से ही यूनानी कला का निर्माण हुआ है, परिणाम स्वरूप गंधार कला का खालिस्तान हुआ, तो देखिए जन्म हुआ किससे हुआ, गंधार कला का जन्म किससे हुआ यहाँ पर, तो यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ है और परिणाम स्वरूप इससे गंधार कला का जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारती थी, क्योंकि भारत की खालिस्तान अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती, तो आत्मा इसको भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो है पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमारी जो शिफ्ट थी कौन सी थी, आज हमारी शिफ्ट टोटल थी, तो यहाँ देख सकते हो हमारे पास जो टोटल शिफ्ट थी आज की वो थी 22 नवंबर की फोर्थ शिफ्ट, लास्ट वाली जो थर्ड शिफ्ट होती है वाली थी। तो हमने बोला है आपको 25 में से 25 दिलाने का वादा किया है, तो आपको बस बने रहना है,
25 में से 25 हम आपको दिलाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर जाना। जय हिंद दोस्तों।